मेरी फैमिली कैसा आप बताना कमेंट करके। मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। और हाँ, देख सकते हैं अभी शायद दिख रहा हो कैमरा में, थोड़े गंदे हैं बिकॉज खाना चल रहा है अभी। और खाना मैं हमेशा ज़मीन में बैठ कर खाता हूँ बिकॉज खाना हमेशा ज़मीन में बैठ कर के ही खाना चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी हैं और धर्म से जुड़ी हुई बातें भी हैं। कैसे साइड में लगते हैं और अभी शुरू करते हैं ब्लॉग को। और ब्लॉग इससे हम शुरू कर रहा हूँ, रात का खाना खा रहा हूँ मैं। 10:30 बज रहे हैं अभी रात के, एंड अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं। हम लोग क्या, बेसिकली मैं कहीं जा रहा हूँ अभी, तो दिखाता हूँ आप लोग कहाँ जा रहा हूँ अभी। एंड ग्वालियर से भी आ गए थे हम लोग, 2-3 दिन पहले ही आए थे। तो मुझे ब्लॉग करना था, बीच में ब्लॉग बनाना था एक, बट मैं फिर बनाया नहीं था क्योंकि मैं फ़ोन भूल गया था यहाँ पे, राखी खरीदने के दी साथ। थोड़ा बहुत दीदी फोन से रिकॉर्ड किया गया, देखेंगे होगा कुछ तो एडिट करके डाल दूँगा मैं बाद में। बाकी मैं भी ब्लॉग जो बनाऊँगा तो आप लोग बने रहेगा ब्लॉग में, इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। कहीं जा रहा हूँ मैं, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं और दिखाते हैं आप लोग को भी। तो वैसे भी गाड़ी में आ चुके हैं, एंड पहले मुझे कुछ नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, बट अभी हो गया कन्फर्म जा रहे हैं नैनीताल। तो चलते हैं और दिखाते हैं, मतलब ऐसा कोई रैंडम प्लान नहीं था, बट रैंडमली एकदम से हो गया कि नैनीताल चलना है, तो चल रहे हैं। और कोई नहीं दिखा रहे कौन कौन है। ये मैं बैठा हूँ, सत्यम भैया, अंशु भैया, बस गिनती के 3 लोग हैं और ये 3 लोग जा रहे हैं नैनीताल। बस ये प्लान अभी एक कुछ आप लोग के दिमाग में आया कहाँ से, बस ऐसे ही तुरंत हो गया, कहीं चलते हैं, बस कहीं चलते हैं। लाइट जला दिया गया, काफ़ी दिन से बोर हो रहा था, लाइट जला दिया गया ली है काफी दिन से, बोर हो गए बस घर से निकलना था, कहीं मन हुआ खाना खा के अचानक से इनका फोन आया कहीं चलते हैं, चलो कहीं चलते हैं। घर से निकले तब भी हम लोग खुद नहीं डिसाइड था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वही हमको इन्होंने बोला अभी चलना है, हमने भी बैग पैक कर लिया, अभी हम तब देखा नहीं था कहाँ जाना है अभी एकदम से। तो बड़ा दूर का मन बन गया आप लोग का तुरंत। थोड़ा सामान, शॉप का नाम क्या है? तिरुपति बालाजी, यहाँ तिरुपति बालाजी से लिया है सामान हम लोगों ने। अब चलते हैं, खड़ी है गाड़ी और ये शॉप यहाँ से लिया है, शक्करमंची चौराहा है ये, और रसगुल्ले फेमस है, आके देख लीजिएगा सामान ले। अब अभी चलते हैं नैनीताल और थोड़ा बहुत सामान ले लिया है तो ये शॉप से। और शॉप वाले ने भाई मुझको भेज दिया अपना विजिटिंग कार्ड भी, ये विजिटिंग कार्ड कि यहाँ यहाँ पे है डिटेल पूरी, तो किसी को आना हो जो कोई इलाके में रहता हो देख लेना, खा लेना करके। और मिलते हैं थोड़ी देर में जब कोई अच्छा रास्ता है, रास्ता दिखा रहे कैसे, रास्ता ही पूरा ऐसा ही है जंगल जंगल वाला। सिंगल एक हम लोग की गाड़ी चल रही है, लाइट बंद कर दे हमें अंदर से, बस कि सिर्फ हम लोग की गाड़ी चल रही है और कोई नहीं, पीछे देख अंधेरा पूरा, सिर्फ एक हम लोग की गाड़ी चल रही है। तो वही बस नाटे लोग जा रहे हैं और टाइम हो रहा है इस टाइम पे एक तो बज ही गया होगा ना, हाँ 1:02। तो अभी चलते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। देख अब ले लिया था यहाँ पर रुक करके, फिर अभी चलते हैं और ये सही आ रहे हैं। वैसे यहाँ पर उन्होंने रोक ली थी गाड़ी अभी, और ये वहाँ पे बैठे थे हम लोग चाय पी रहे, मैंने मना कर दिया चाय के लिए बिकॉज मन नहीं कर रहा था अभी। और रात के पे उतरे कितने अभी टाइम हो रखा है 3:08 और हम लोग हैं अभी शाहबाद में, तो चलते हैं अभी फिर शुरू करते हैं पकौड़ा चाय वाले आज के पास। तो बस अभी चलते हैं, रोक लिया था थोड़ी देर ब्रेक लेने के लिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से। चाय वाय पी ली, लोगों ने अभी निकल लिए हैं वापस बैक टू द वे, और अभी चलते हैं। अभी टाइम दिखा रहा है सुबह के 7 बजे पहुंचने का, तो देखते हैं कि देर पहुँचे हम लोग। और अभी जैसे ऐसे कि हम लोग रास्ते में रहेंगे ना जब वो सब होगा, सनराइज सनराइज होगा तो फिर दिखाएंगे पूरा कैसा चल रहा है और कैसे होगा सनराइज़। अभी तो रास्ता और अच्छी हो चुकी है, पहले से बहुत अच्छी होगी रास्ता, अभी और अच्छी होगी, तो चलते हैं और देखते हैं। रास्ता हो चुकी पूरी मस्त हाईवे है, तो अभी चलते हैं और देखते हैं मिलते हैं। आसमान देख लो कितना मस्त हो चुका है। लग रहा है बिल्कुल ऐसे नहीं है जो मल्टीपल यूनिवर्स में होता है, वैसा आसमान है। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में।
आसमान देख सकते हैं कैसा हो गया है, बिल्कुल मल्टीवर्स यूनिवर्स वाला हो गया। अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 6 बज गए, मतलब समझ लीजिए 5 मिनट बचा है 6 बजने में, 5:55 हो रहा है और दिन हो चुका है काफ़ी अच्छा खासा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नैनीताल और सामने रोड बहुत तगड़ी है, दिखा सामने की रोड बहुत तगड़ी आ रही है अभी और व्यू भी बहुत तगड़ा है। अभी तो आसमान एक नंबर आ रहे हैं सारे, भी दिखाए भी थे ब्लॉग में बीच में। और देखा जाए तो नैनीताल पहुंच चुके हैं ना हम लोग, अब अंदर ही नैनीताल के, उत्तराखंड के अंदर है नैनीताल, 60 किलोमीटर थोड़ा बचा है, मतलब कि टच कर लिया हम लोग ने, थोड़ा सा बचा है तो ये बस चलते हैं। पटरी भी है रेल में, उससे किराया लेंगे। किससे? रेलवे वालों से। क्यों? जमीन जब आबादी होगी। ये ऐसे मजाक करते करते पूरी रात निकाल दी हम लोगों ने। हम लोग तब से आ रहे कि ये मल्टीवर्स यूनिवर्स में हम लोग आ रखे हैं, क्योंकि ऐसे आसमान कानपुर में जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। अच्छे होते हैं कानपुर के आसमान भी, बट यहाँ कुछ अलग ही सीन चल रहा है। तो हम लोग तब से कह रहे हैं कि ये मल्टीवर्स यूनिवर्स है, तो हम लोग आ चुके हैं मल्टीवर्स यूनिवर्स में। पर स्पीड में ज़्यादा तेज़ नहीं चल रहे, मिनिमम 80-70 इतनी ही चल रहे हैं। अरे ये अंकल रोड पे क्रॉस कर रहे हैं, अंकल जी कहाँ जा रहे हैं? वे? देख सकते हो फैक्ट्री से कैसा धुआं निकल रहा है। सामने पूरे पहाड़ आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं समझ लीजिए ना, अब तो चल रहे हैं बस हम लोग, अब तो बिल्कुल चढ़ाई पे हम लोग अभी, तो बहुत मज़ा आ रही है। दिखाते हैं अभी व्यू, पहले देखा कि तगड़ा है था, अभी दिखाया इसके पहले मैंने, और अभी तो और तगड़ा व्यू आ रहा है। ऊपर पूरे पेड़ पेड़ आ रहे हैं, साइड में पूरे पेड़ पेड़ है अभी, और यहाँ तो मतलब पूरे पूरी तरीके से पहाड़ हैं, एक तरह से पूरे पहाड़ लगे हुए हैं बट एक तरह से खाली है। मस्त है, इतना ठंडा मौसम है ना यहाँ पे, मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ये टेढ़े मेढ़े कर्व हैं इनमें मज़ा आ रही है। अभी एक तरफ आया था तो यहाँ से क्या था वहाँ पर बिल्कुल से इधर पे पूरे खाई खाई थी, तो अभी फिर शायद आएगा तो दिखाता हूँ अभी, और मज़े ले रहे हैं हम लोग अभी नज़ारे के। तो बस कुछ ऐसा व्यू आ रहा है अभी पूरे नैनीताल में, लोग चल रहे हैं मस्त, जितना अच्छा व्यू उतना अच्छा ही मौसम है। ऐसे पूरी खाई खाई सी एक तरफ पे और बस हम लोग ऊपर आ चुके हैं और कहीं कहीं धूप आ गई है तो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, देखें नेचर्स में जहाँ जहाँ धूप आ गई वहाँ पहाड़ों में इतना अच्छा व्यू आ रहा है ना, बट बाकी कितना अच्छा व्यू आ रहा है। अच्छा लग रहा है जो धूप आ गया है ना, मतलब धूप आ गई कहीं कहीं पर और जहाँ जहाँ धूप नहीं है तो वो अलग ही दिख रहा है नेचर, वो अलग ही है, और जहाँ जहाँ बादल चल रहे हैं तो वो और अच्छा। सो गाइस देख रहे हैं कैसा व्यू आ रहा है हम लोग के सामने अभी, अभी पीछे पूरा बादल बादल आ गया था हम लोग के पास ऊपर पर, वहाँ पे हल्का हल्का दिख रहा होगा बादल बादल ऊपर।
जा रही है और आसमान उतर आता जा रहा है, मज़ेदार वो देखो। तो वैसे भी मुझे चल रहे हैं, ये है नैनीताल का लेक, अरे लेक छूट गया इसके पीछे, ये क्या हो गया, ये आ गया, तो देखो कितना प्यारा आ रहा है, आ चुके हैं प्रॉपर नैनीताल और गाड़ी वहाँ पीछे पार्क कर दिया है और इतना कर्रा व्यू आ रहा है ना, इतना कर्रा, तो दिखाता हूँ अभी व्यू, देख लो यहाँ नीचे बच्चे वो खेल रहे हैं फुटबॉल और कुछ ऐसा सा व्यू है बहुत प्यारा सा। तो अभी चलते हैं ऊपर एक्सप्लोर करते हैं और टाइम हो रहा है अपना, मैं दिखी नहीं रहा, तो इतना रोशनी है, तो बस चलते हैं और देखते हैं कैसा है।